अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपकी खिदमत में एक मुनफरिद वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस मुनफरिद वीडियो की वजह सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे इस वीडियो को बनाने पर मजबूर किया है। आप लोगों के जो फेसबुक, वैसे तो काफ़ी मोहब्बत और प्यार आपकी तरफ से मौसूल होता है, मेरा फेसबुक पेज है, और उसके ऊपर जब मैंने ऐड चलाया तो मुझे पता लगा कि जो पाकिस्तान के काफ़ी लोग हैं वो मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं, और उन्हें ये प्रॉब्लम है कि वो अपने से पिछले वक्तों में वो गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी के औलाद नहीं हो रही और किसी का कोई और दूसरा मसला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट कर दी जाए, क्योंकि जो लोग शर्म के मारे या तो सवाल नहीं पूछ सक रहे उनके लिए, या फिर जो सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा, तो वो अब आसानी देख सकते हैं और खुद अपने मसले का हल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ये मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। एक ट्यूब है न्यूबेक्स के नाम से, हमदर्द कंपनी की ये ट्यूब है न्यूबेक्स। अगर आपने इसके ऊपर पढ़ना है तो पोस्ट कर लें, वैसे मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ। तो इसका मकसद ये होता है कि अगर मैं शॉर्टली बताता चलूँ, इसमें वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ी बहुत मेन मेन बताता चलूँ तो इसमें लौंग, दालचीनी का तेल डला हुआ है जो कि बहुत मुफीद है, और इसमें अकरकरा डली है जो कि मर्दाना कमजोरी में बेहद मुफीद है। आइए इसका रिव्यू करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए, और इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो भी मैं आपको इसमें वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों, ये ट्यूब है हमदर्द की न्यूबेक्स के नाम से है, और इसमें आप देख रहे होंगे ये बैरूनी इस्तेमाल के लिए है। इसमें सारा आपका लिखा हुआ है, उसने डिटेल और ये इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए हैं इसमें। तो इसको खोल के चेक करते हैं इसको। ये देखें, कुछ ये ऐसी ट्यूब दिखती है, और अगर हम इसको खोलेंगे तो ये इस पे सील लगी हुई है। अगर आपने इसको यूज़ करना होगा तो ये आप सील को पहले तोड़ लेंगे, फिर इसको थोड़ी सी मिकदार में आपने लेना है, और आपका जो नफ्स है उसके ऊपर आपने इसको ऐसे मालिश करनी है कि आपने नीचे वाला हिस्सा छोड़ देना है, और इसका नफ्स का अगला हिस्सा जिसे सुपारी कहते हैं वो छोड़ देनी है, और इसके ऊपर और साइडों में आपने यूं करके, जैसे तरीका मैं बता रहा हूँ, आपने इस तरह इसे मालिश करनी है। आप इसे 5 से 7 मिनट तक इसको हल्की हल्की मालिश करेंगे, शहवत आएगी, आपने उसे उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आपने इसको जेंटली ऐसे मालिश कर लेना, मसाज कर लेना। जो दूसरे हकीम हैं वो इतना महंगा महंगा यूट्यूब पे भी इतना महंगा महंगा नुस्खा बता रहे होते हैं, मैं कहता हूँ हाँ जी वो काम करेगा, लेकिन काम वो इस सूरत में नहीं करता जब आपकी भरपूर नशोनुमा नहीं होगी उस हिस्से की, प्राइवेट पार्ट की, जब आपकी उसकी उधर तक खून का फ्लो पहुँचेगा तभी आपकी नशोनुमा होगी। पहले आप इसको यूज़ करें, और इसके अलावा जी सफ़ूफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माजून भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तिला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं सिवाय टैबलेट्स के और सिवाय स्प्रे के, वो बहुत नुकसानदेह होता है। अगर किसी ने एक आध दफ़ा ले लिया वो तो खैर चल जाता है, लेकिन उसे रेगुलरली यूज़ करना बहुत नुकसानदेह है। तो आप लोगों ने ये यूज़ करना है, और जो खान साहब कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, तो हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का हल निकल सकता है। अगर आपने गलत काम किए हैं कोई परेशानी की बात नहीं है, आप उसे अपने अमल से ठीक कर सकते हैं। पहले नहीं कर सके तो अब तो ठीक कर सकते हैं ना, आप ये अगर ठान लेंगे तो आप इसका ना बेहतर हल निकाल सकेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई सवाल है, कोई आपका कोई मसला है, तो वो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, फेसबुक पेज है उधर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको व्यूअर्स ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर पहले से नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।